Okay, so this is our lecture number 8, and today we are going to discuss probabilistic interpretation of quantum mechanics. कि किस तरह आप quantum mechanics की interpretation probabilities की मदद से कर सकते हैं. सही है. अब reason क्या है probabilistic interpretation करने की, reason क्या है? जवाब बहुत simple है कि quantum world probabilistic है. आप चीज़ों को precisely define नहीं कर सकते due to Heisenberg uncertainty principles. या अनसर्टनिटीज अराइजिंग एट एटॉमिक लेवल. इसी तरह वेव पार्टिकल डुअलिटी, पार्टिकल वेव भी है, वेव पार्टिकल भी है, तो एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल पे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस अराइज होती हैं जो कि आप क्लासिकल फिजिक्स की मदद से एक्सप्लेन नहीं कर सकते. सो इस वजह से क्वांटम मैकेनिकल वर्ल्ड प्रोबेबिलिस्टिक है इन कॉन्ट्रास्ट टू क्लासिकल फिजिक्स जो कि डिटर्मिनिस्टिक है. सो इस लेक्चर में हम वेव फंक्शन से कैसे प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करते हैं वो स्टडी करेंगे. और वेव फंक्शन आपको पता है ख़ुद क्या चीज़ है, किसी भी क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम की स्टेट या उसकी तमाम इंफॉर्मेशन को स्पेसिफाई करता है. सो लेट्स स्टार्ट विद प्रोबेबिलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स. सो आपको पता है वेव फंक्शन को हम जनरली साई से रिप्रेजेंट करते हैं, और वन डायमेंशनल वेव फंक्शन को हम एक्स कोऑर्डिनेट की फॉर्म में लिख सकते हैं. साई ऑफ एक्स की फॉर्म में वाई और जेड नहीं है क्योंकि वन डायमेंशनल वेव फंक्शन है. और ये बेसिकली सिस्टम की स्टेट को आइडेंटिफाई, स्टेट को स्पेसिफाई करता है. सो ये स्टेट है और इसके अंदर तमाम इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, ऑल इंफॉर्मेशन स्टोर होती है. सही है. और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि वेव फंक्शन जो है वो बिलोंग करता है कॉम्प्लेक्स इन जनरल नंबर से, कॉम्प्लेक्स फंक्शंस. कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन हो सकता है, ये कॉम्प्लेक्स होते हैं इन जनरल. तो अब अगर ऐसा ही कॉम्प्लेक्स है तो अगर इसको रियल बनाना है तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि इसका आप मॉड स्क्वायर ले लें. क्योंकि आप रियल नंबर लें या कॉम्प्लेक्स नंबर लें, उसका मॉड स्क्वायर आपको हमेशा रियल देता है. सो ये रियल है. और हमने इसको आइडेंटिफाई किया था लास्ट लेक्चर में, मैं तो बताया था कि ये मैक्स बॉर्न ने इंटरप्रिटेशन की थी. और बॉर्न इंटरप्रिटेशन के बकौल साई मॉड स्क्वायर बेसिकली कोरिस्पॉन्ड करती है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को, मींस प्रोबेबिलिटी पर यूनिट लेंथ फॉर वन डायमेंशन, और प्रोबेबिलिटी पर यूनिट एरिया फॉर टू डायमेंशनल क्वांटम सिस्टम्स, एंड प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम फॉर थ्री डायमेंशनल क्वांटम सिस्टम्स. सो ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है. अब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या चीज़ है? साई मॉड स्क्वायर है, वेव फंक्शन साई है, तो प्रोबेबिलिटी कैसे अराइज होंगी उसको समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा. लेट्स हैव एन एग्जांपल. फर्स्ट करो एक वन डायमेंशनल स्पेस है, एक्स एक्सिस को समझ सकते हो, जो कि जिसका एक ही वेरिएबल है, स्पेस वेरिएबल एक्स है, जो माइनस इन्फिनिटी से फैला हुआ है प्लस इन्फिनिटी तक अलॉन्ग एक्स एक्सिस. सही है. और पार्टिकल माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में कहीं लाई कर रहा है, तो उसके कोरिस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन क्या होगा? साई ऑफ एक्स टी होगा. सही है, बात सही है. अब मैं आपसे कहता हूँ कि अगर पार्टिकल है और ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक है, तो इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए इस स्पेस में होने की? कॉमन सेंस से 100% है, क्योंकि उसको तो होना है हर सूरत माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक. वो अलग बात है, हमें नहीं पता कि वो कौन सी जगह पर लोकेट है, बट वी कैन से कि पार्टिकल इज समवेयर फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी. सो द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी इज 1 or 100%. आपको पता है मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी या 1 होती है या परसेंटेज मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 100% होती है. सो ये वेव फंक्शन स्मीयर्ड आउट है. गुड. अब मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं ये कहता हूँ कि वट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन दिस स्मॉल एलिमेंट ऑफ दिस स्पेस. पूरे स्पेस के स्मॉल एलिमेंट में इसके पाए जाने की प्रॉबिलिटी क्या है? पार्टिकल इधर होगा या होगा तो फिर किस प्रॉबिलिटी के साथ होगा, क्योंकि आप प्रिसाइसली नहीं बता सकते कि वो उधर इस पॉइंट पे होगा. ठीक है. सो फर्ज करो अगर ऐसा है तो मैं इसको, इस पॉइंट को ये नाम दे देता हूँ, ए नाम दे देता हूँ, इसको मैं बी नाम दे देता हूँ. ए से लेके बी तक पाए जाने की प्रॉबिलिटी क्या है? सो बात सीधी सी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या चीज़ होती है? प्रोबेबिलिटी डिवाइड बाय वन डायमेंशन के लिए लेंथ होती है. तो अगर आपको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी पता है तो आप प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? सीधी सी बात है,
probability of finding the particle somewhere in between A and B can be computed by taking wave functions mod square and then integrating this wave functions mod square from A to B. ये आपको देगा कि probability क्या है, सही है? So this is the definition of probability. और ये sense बनता है इसका. How it makes sense? तो अगर crudely speaking, isn't this probability? क्या ये probability नहीं है ये वाली? Yes, ये probability है. So इस तरह आप basically wave functions की मदद से probabilities calculate कर सकते हो, सही है? आपको अब अगर मैं ये कहूँ कि minus infinity से plus infinity की total probability क्या होगी? तो बहुत आसान काम है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक अपने इस वेव फंक्शन के मॉड स्क्वायर यानी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को इंटीग्रेट कर दो और आपको पता है हमेशा टोटल प्रोबेबिलिटी वन होती है. सो दिस इज़ बेसिकली द टोटल प्रोबेबिलिटी. ये किसी भी इंटरवल में प्रोबेबिलिटी पार्टिकल के पाए जाने की और ये टोटल प्रोबेबिलिटी उस पूरे स्पेस में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ये मौजूद है, सही है? तो इस तरह आप कैलकुलेट कर सकते हो. अब हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे प्रोबेबिलिटी से ही प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट कर सकते हो. बिफोर गोइंग टू दैट न्यूमेरिकल, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ये कि आपको पता है फिजिक्स में डेंसिटी को नॉर्मली ग्रीक लेटर रो से रिप्रेजेंट करते हैं. बिल्कुल इसी तरह मास डेंसिटी को रो से, चार्ज डेंसिटी को अमूमन रो से, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को, इसी तरह कन्वेंशनली रो इज़ अ फंक्शन ऑफ एयर. मीन्स आप अपने प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को भी रो की फॉर्म में लिख सकते हैं, सही? सो ये शॉर्ट हैंड, अगर वेन एवर यू फील अनकंफर्टेबल वेन एवर यू आर राइटिंग साई मॉड स्क्वायर, देन इंस्टेड ऑफ राइटिंग साई मॉड स्क्वायर यू कैन राइट रो ऑफ एक्स, व्हिच इज़ प्रीटी इजी टू राइट, कन्वीनियंट टू राइट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद अ न्यूमेरिकल. न्यूमेरिकल क्या कहता है? इधर ये पहले मैं बता दूँ, ये पी नहीं है, ये रो है, वही प्रोबेबिलिटी डेंसिटी. Suppose that a certain probability distribution is given by rho. Probability distribution in diya hua hai, rho diya hua hai, 9 divided by 4 x cube diya hua hai. For 1 se leke 3 tak, 1 se leke 3 tak, means aapka space kahan se kahan tak smeared out hai. Pichle case mein minus infinity se plus infinity tha, kyunki wo general tha, lekin kyunki hum physical system deal kar rahe hain, to ye 1 se leke 3 tak defined hai, aur 1 aur 3 ke beech mein 2 hai, 2 aur 3 ke beech mein 2.5 है, जो कि बराबर होता है 5.5 डिवाइड बाई 2, सही है? अब सुने सर, तो आपका जनरल जो लिमिट है वो 1 से 3 तक है और सिस्टम का वेव फंक्शन यानी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वो इसके बराबर है. अब सवाल ये, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी दैट पार्टिकल इज इन बिटवीन दिस लिमिट. मींस आपका ए क्या है? ए ये है, ये ए है आपका, और ये आपका बी है. सो ए किसके बराबर है? 5 डिवाइड बाई 2. बी आपका 3 के बराबर. सो अपर लिमिट भी आपको गिवन है, लोअर लिमिट भी आपको गिवन है. सो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे क्या होगी. यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या है? यहाँ से लेके यहाँ तक, सॉरी, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है? इस रीजन में प्रोबेबिलिटी क्या है? तो बहुत आसान काम है, आप पी निकाल सकते हो साई मॉड स्क्वायर डी एक्स माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी. और आपको पता है पी माइनस इन्फिनिटी की जगह बेसिकली हमारे सिस्टम में अभी हमने क्या निकालना है, बेसिकली प्रोबेबिलिटी के लिए ए और बी यूज़ हो रहा था, टोटल प्रोबेबिलिटी के लिए माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी यूज़ हो रहा था. सो ए की जगह क्या है हमारे पास? 5 डिवाइड बाई 2 है. बी की जगह क्या है? 3 है. और साई मॉड स्क्वायर किसके बराबर है? रो के बराबर है. तो मैं रो ऑफ एक्स डी एक्स लिख सकता हूँ, साई मॉड स्क्वायर को यस लिख सकता हूँ ऑफकोर्स. और अगेन 5 डिवाइड बाई 2 से लेके 3 तक रो की जगह मैं लिख सकता हूँ 9 डिवाइड बाई 4 1 आवर एक्स क्यूब डी एक्स लिख सकता हूँ, सही है? बस अब आपने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है. 9 डिवाइड बाई 4 इंटीग्रल 1 आवर एक्स क्यूब को मैं लिख सकता हूँ एक्स की पावर माइनस 3 डी एक्स 5 डिवाइड बाई 2 से लेके 3 तक. और वन यू इंटीग्रेट इट, पावर रूल लगेगा क्योंकि डिफरेंशियल मौजूद है आगे, और लिमिट 5 डिवाइड बाई 2 से 3 तक,
सही है, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, पी इज़ इक्वल टू 9 डिवाइड बाई 4 एक्स टू द पावर माइनस एक्स टू द पावर माइनस 3 प्लस 2 इज माइनस 2 डिवाइड बाई माइनस 3 प्लस 2 इज माइनस 2 विद लिमिट 5 बाई 2 से 3 तक। और आपको पता है इस 2 को उधर लेके जाएंगे तो माइनस 9 डिवाइड बाई 8 हो जाएगा, एक्स टू द पावर माइनस 2 5 डिवाइड बाई 2 से 3 तक हो जाएगा। और आपको पता है इसको मैं अगर प्लस बनाता तो इस लिमिट्स को चेंज कर सकता हूँ मैं, अगर ये माइनस है तो इसको मैं प्लस करता हूँ तो आपको लिमिट्स की प्रॉपर्टी पता कि ये 3 नीचे आ जाएगा 5 बाई 2 पर चला जाएगा। और फिर जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हो तो आपको मिलेगा, ज़रा चेक करते हैं ये क्या चीज़ आता है, 9 डिवाइड बाई 8 1 डिवाइड बाय 5 डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 3 स्क्वायर। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये बनेगा 4 डिवाइड बाई 25 माइनस 9, इसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो आपको मिलेगा 0.055। सो लिहाजा इस जगह पे पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0.00055 है, सही है। सो ये प्रोबेबिलिटी क्या है, पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी। सही हो गया। सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रोबेबिलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से, और आप मज़ीद बुक में से वेव फंक्शंस लेके उनकी प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट कर सकते हो फॉर योर डिजायर्ड लिमिट्स, और इस तरह आप बेसिकली वेव फंक्शन से प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट कर सकते हो। सही है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंड अप टिल नेक्स्ट।